गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शी वॉज प्रिटी ड्रामा सीरीज की एपिसोड नंबर 7 को। तो प्लीज़, अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हायजिन और सियोंग जून एक ऑफिशियल ट्रिप पर जा रहे होते हैं। वो दोनों ही बिल्कुल खामोश बैठे थे। हायजिन को ऐसे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, तो वो कभी गाना गाने लगती है, कभी और हरकतें स्टार्ट कर देती है। सियोंग जून कहता है, हम वेकेशन पे नहीं जा रहे, प्लीज़ शोर मत करो, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। वो सोचती है कि कल तो इतना काइंड बना हुआ था, आज फिर से सड़ू हो गया है। उधर ऑफिस में किमशिन भैया आज अपनी बहना के बगैर काफ़ी बोर नज़र आ रहा था। इतने में सियोंग जून और हायजिन एक जगह लंच करने के लिए रुकते हैं, तो सियोंग जून बहुत ही महंगी महंगी डिशेस ऑर्डर कर देता है। हायजिन हैरान होती है, तो वो कहता है, तुम्हारे साथ क्या मसला है, बिल मैंने पे करना है ना, तुम चुप करके खाओ। दूसरी तरफ ऑफिस में दिखाते हैं कि सियोंग जून का वॉलेट वो वहीं भूल गया था। फूड बहुत ऑयली था, तो सियोंग जून एक एप्रन पहन लेता है, लेकिन उस पर बना डिज़ाइन काफ़ी इनएप्रोप्रिएट टाइप का था। फिर खाना खाने के बाद जब बिल देने की बारी आती है, तो उस टाइम सियोंग जून को रियलाइज़ होता है कि ये क्या, उसका वॉलेट तो वो कहीं भूल आया है। अब सियोंग जून को शर्म भी बहुत आ रही थी, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो जाकर हायजिन से पैसे उधार मांगता है, लेकिन हायजिन जब बिल देने आती है तो उसके कार्ड में भी इतने पैसे नहीं थे। हायजिन उस लेडी को कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन सियोंग जून जोश में आकर अपना ब्रांडेड स्कार्फ उसको देने की कोशिश करता है, लेकिन वो फौरन से रिजेक्ट कर देती है कि मैंने क्या करना है एक कपड़ा लेकर। इतने में उनको पता चलता है कि उनके कोलीग्स को रास्ते की कोई समझ नहीं आई और वो गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। अब हायजिन हारी को कॉल करके पैसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठाती। अब वो लेडी उनको जल्दी जल्दी पे करने के लिए पहले तो डराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर उनसे काम कराने के लिए उनको कपड़े चेंज करने के लिए कह देती है। और असल में उनसे काम ये कराना था कि उनके जानवरों के बाड़े में उनका गोबर साफ करने का काम था। फिर वो दोनों काम में लग जाते हैं और साथ ही साथ एक दूसरे को ताने भी मारते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं नहीं तुमने ज़्यादा खाना खाया। इतने में वो टकरा के गिर भी जाते हैं और सारी गंदगी सियोंग जून के हाथों पर लग जाती है। और इसी दौरान ही हायजिन का ऑफिस कार्ड भी गंदगी में गिर जाता है। फाइनली काफ़ी मेहनत करने के बाद वो लोग ये टास्क इकट्ठे पूरा कर ही लेते हैं। फिर दोनों थके हारे गिरे पड़े होते हैं, तो सियोंग जून कहता है कि ये आज जो भी हुआ ये एक सीक्रेट रहना चाहिए। फिर वो दोनों वहाँ पर आसमान के खूबसूरत नज़ारे को अपने हाथों से शूट भी करने लगते हैं। इतने में जाने से पहले हायजिन को रियलाइज़ होता है कि उसने अपना कार्ड कहीं खो दिया है, और उसका ये कार्ड उसके लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि ये उसकी फर्स्ट जॉब थी, तो वो उसे ढूंढने में लग जाती है। लेकिन इन दी एंड सियोंग जून ही उसे वो कार्ड ढूंढ के ला देता है। अब हायजिन बहुत खुश हो गई थी। सियोंग जून ने तो उसे यही बताया था कि ये मुझे यहीं फर्श पर गिरा मिला है, लेकिन जब वो देखता है कि हायजिन अपने कार्ड को प्यार से किसिस कर रही है, तो ये देखकर तो उसे उल्टी आने लगती है, क्योंकि वो तो इसे गोबर में से निकाल कर लाया था। लेकिन बाद में हायजिन को भी पता चल ही जाता है कि उसका कार्ड ढूंढने के लिए सियोंग जून ने कितनी गंदगी छानी है, और इस बात से वो खुद को काफ़ी स्पेशल फील करती है। फिर रास्ते में हायजिन उसे बताती है कि ये कार्ड उसके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि पहली दफ़ा उसे कोई अच्छी जॉब मिली है। यहाँ पर सियोंग जून कहता है कि हाँ, सबकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ बहुत स्पेशल होती है जो दिखने में मामूली लगती है। हायजिन पूछती है, तो वो बताता है कि मेरे लिए वो पज़ल स्पेशल था जो लास्ट टाइम तुमसे टूट गया था। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तो हायजिन प्यार से उसका हाथ पकड़ लेती है। तो सियोंग जून कहता है, ये क्या कर रही हो, मैं तो तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, वो पज़ल बॉक्स को मैंने रिपेयर कराया था।
लेकिन सियोंगजुन इतने ज़्यादा पैसे बताता है कि हाजिन उसकी बात को एक जोक ही समझ लेती है। जबकि दूसरी तरफ जॉन हू के साथ टाइम बिताने के लिए वो लड़की अपनी गाड़ी भी ख़राब करने का प्लान बनाती है। एक्चुअली वो गोल्ड डिगर थी और उसे तो यही लगा था कि यही लड़का चेयरमैन का बेटा है, और पता नहीं वो क्या क्या सपने सजाने लगती है। जबकि हाजिन जब बीच पर पहुंचती है तो बच्चों की तरह खुश हो जाती है, और फिर हाजिन हारी को कॉल करती है और उसे अपने लिए कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने को कहती है। इस तरह से हारी को पता चल जाता है कि हाजिन और सियोंगजुन दोनों ही बिजनेस ट्रिप पर कहीं गए हुए हैं। उधर ऑफिस में किमशिन जून हू के थ्रू पता चला लेता है कि हाजिन और सियोंगजुन अकेले ही बिजनेस ट्रिप पर हैं, और ये एक ओवरनाइट ट्रिप था तो उसके माइंड में कोई अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। जबकि दूसरी तरफ सियोंगजुन अपनी मैगजीन के फोटोशूट के लिए कुछ आइडियाज स्केच कर रहा था तो हाजिन उसे कुछ ऐसे हार्ट टचिंग आइडियाज देती है कि सियोंगजुन उसकी इस स्किल से काफ़ी हैरान होता है, और उसी से ही सियोंगजुन को अपना मुश्किल टाइम याद आ जाता है कि जब USA में उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे तो वो हाजिन के लेटर्स का कितना वेट किया करता था। और फिर वो कहता है कि पता नहीं क्यों कुछ अरसे बाद उस लड़की ने, मेरी फ्रेंड ने, मुझे लेटर्स लिखने बंद कर दिए थे। लेकिन अब सियोंगजुन बिल्कुल भी कोल्ड नहीं लग रहा था। वो हाजिन को अच्छे आइडियाज़ के लिए थैंक्स कहता है और अप्रिशिएट भी करता है। फिर सियोंगजुन बीच पे फोटोशूट के लिए अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करता है, तस्वीरें लेता है, जबकि हाजिन भी वहीं बच्चों की तरह खेलने लग जाती है। और फिर जब शाम होती है तो सियोंगजुन उसे साथ चलने को कहता है तो हाजिन काफ़ी हैरान होती है, कहती है आपने पहली दफ़ा मुझे मेरे नाम से बुलाया है, वरना हमेशा आप मुझे सुनो इंटर्नी ये कहकर बुलाया करते थे। तो आगे से सियोंगजुन कहता है ये कहने से पहले ये मत भूलो कि तुमने मुझे फ़ोन करके कितनी गालियां भी दी थी। फिर वो दोनों डिनर करने के लिए चले जाते हैं। फिर डिनर के दौरान वो लोग बातें भी करते रहते हैं और उनका बॉन्ड बिल्कुल बचपन की तरह का लग रहा था जब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। इवन के टाइम गुजरता रहता है और उनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि कितनी देर हो गई है। यहाँ पर सियोंगजुन कहता है कि तुम्हारी चॉइस मेरे से बहुत मिलती जुलती है। फिर बड़ी मुश्किल से रेस्टोरेंट की एक वेट्रेस आकर उनको क्लोजिंग टाइम का बताकर वहाँ से जाने को कहती है। इतने में वहाँ से जाते जाते हाजिन एक बाईसाइकिल से टकराने लगती है तो सियोंगजुन उसे बचा लेता है। यहाँ पर सियोंगजुन हाजिन को थैंक्स भी बोलता है कि तुमने उस रात बारिश में मेरी बहुत हेल्प की थी। यहाँ वो बातों बातों में हाजिन को अपनी मॉम की एक्सीडेंट में होने वाली डेथ के बारे में भी बताता है। लेकिन फिर वो खुद से सोचने लगता है कि मैं इस लड़की से इतना फ्रेंडली क्यों हो रहा हूँ। फिर सियोंगजुन उसे आसमान में स्टार्स भी दिखाने लगता है जो कि सियोल में कभी भी नज़र नहीं आए थे। यहाँ पर हाजिन को ख्याल आता है कि मैंने सोचा था कि मेरा स्वीट सा बचपन का फ्रेंड कहीं खो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हाजिन को आज अफसोस होता है कि काश उस दिन मैं इसके सामने हाजिन बनकर आ जाती, इससे ना छुपती, तो आज मेरी लाइफ डिफरेंट होती, मैं इतने अच्छे फ्रेंड को ना खोती। अब हाजिन ने अपना माइंड बना लिया था कि वो सियोंगजुन को सारा कुछ सच सच बताने लगी है। हाजिन बस बोलने ही लगती है कि ऊपर से बड़ा भैया अपने बहन की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पहुँच जाता है, और वो कहने लगता है जून वो और टीम यहाँ नहीं पहुँच सकी तो मैंने समझा आप लोगों को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ आ गया। आगे से सियोंगजुन कहता है पहले तो तुम कभी भी इतने मेहनती नहीं हुआ करते थे। सियोंगजुन वहाँ से जाने लगता है तो किमशिन कहता है हम दोनों तो पहले ड्रिंक करेंगे फिर आएंगे। ये सुनकर सियोंगजुन भी उनके साथ मिल जाता है। मींस कि अब सियोंगजुन को जेलसी वाली फीलिंग्स भी डेवलप होने लगती हैं। यहाँ पर किमशिन बार बार मजाक करता रहता है और हाजिन भी उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी। जब सियोंगजुन को पता चलता है कि इनका बहन भाई का रिश्ता है तो वो बहुत रिलीव्ड फील करता है, लेकिन फिर भी वो असली का भाई तो था नहीं, और उसके बार बार हाजिन के क्लोज होने पर सियोंगजुन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो एक मच्छर मारने के बहाने उसे थप्पड़ मार देता है। आज भी सियोंगजुन से अल्कोहल हैंडल नहीं होती और वो थोड़ी सी पी के ही बुरी तरह टुन हो जाता है। फिर किमशिन और हाजिन उसे संभालते हैं,
वो हैरान थे कि ये इतनी जल्दी ड्रंक कैसे हो जाता है। और बाद में किमशिन उसके कैमरे में शूट प्लेसेस के लिए जब शॉट्स चेक करने लगता है तो उसे वहाँ हाइजिन की चोरी चोरी ली हुई फ़ोटोज़ भी नज़र आ जाती हैं। अगले दिन वो लोग वापस लौट चुके थे और हारी थोड़ी जेलस लग रही थी क्योंकि हाइजिन स्योंग जून के साथ अकेले टाइम बिता कर आई थी। आज स्योंग जून ने ऑफिस में भी हाइजिन को इंटर्नी कहने की बजाय उसके नाम से बुलाया था और ये बात हाइजिन को बहुत खुश कर गई थी। फिर काम के दौरान स्योंग जून को हारी की कॉल आती है, लेकिन वो काम में बहुत बिजी था तो यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे उसे हारी में अब ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं हो रही थी। आज फिर हाइजिन स्योंग जून के डेस्क पर चोरी चोरी खाना रख के जाती है, लेकिन आज वो खामोश रहने की बजाय उसे प्रॉपरली थैंक्स भी कहता है। किमशिन ये सब नोटिस कर रहा था, लेकिन आज उसकी नज़रें कुछ बदली हुई थी। फिर हाइजिन स्योंग जून को ऑफिस में जाकर कहती है कि किसी दिन आप फ्री हो तो हम दोनों इकट्ठे डिनर करेंगे क्योंकि मैंने आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बताना है। स्योंग जून मान जाता है। फिर रात को जब किमशिन और हाइजिन डिनर कर रहे होते हैं तो किमशिन पहले भी अक्सर उसे बताया करता था कि हाइजिन तुम्हें देख कर मुझे अपनी सिस्टर याद आ जाती है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हरकतें करती थी। और आज बिल देने के टाइम हाइजिन उसके पर्स में एक पपी की फ़ोटो देखती है तो उसे वो बहुत क्यूट लगती है। लेकिन किमशिन उसे बताता है यही तो मेरी सिस्टर है जो तुम्हें देख कर मुझे याद आती है। हाइजिन को जब सब कुछ समझ आ जाती है तो वो उसे मारने के लिए दौड़ती है और फिर उससे बाद में पूछती है कि तुम इतने दिनों से मुझसे ये खेल खेल रहे थे। लेकिन आगे से किमशिन बिल्कुल सीरियस सा फेस बनाकर उससे कहता है सुनो माइकल जैक्सन, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। अगर तुम और स्योंग जून इकट्ठे हो जाओ तो ये फीलिंग मुझे जेलस कर रही है। लेकिन आगे से हाइजिन इसे एक जोक समझ लेती है और कहती है इस दफा तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकोगे, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर स्योंग जून और हारी को दिखाते हैं, वो डिनर पर मिलते हैं और स्योंग जून उसे अपना वो बाड़ा साफ करने वाला राज भी बता बैठता है और ये भी बताता है कि मेरी कंपनी में भी एक इंटर्नी है, उसका नाम तुम्हारी तरह हाइजिन है और उसके साथ मैंने काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। फिर हारी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ इसलिए हैंग आउट करते हो कि मैं तुम्हारी बचपन की फ्रेंड हूँ, तुम सच बताओ तुम्हारी मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। और इतना कहते ही वो उसे किस कर लेती है। किमशिन और हाइजिन भी बहस करते करते वहाँ पहुँच चुके थे और अब किमशिन उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और ये देखते ही किमशिन को सारी समझ आ जाती है कि हारी ही हाइजिन की फ्रेंड है जो कि स्योंग जून से मिलती है और अब प्यार में पड़ चुकी है। हाइजिन भी उसी तरफ मुड़ने ही लगती है लेकिन किमशिन उसको रोक लेता है और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 7 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।